जमाने भर में मिलते हैं आशिक कई, मगर वतन से खूबसूरत कोई सनम नहीं होता। नोटों में भी लिपट कर, सोने में भी सिमट कर मरे हैं कई, मगर तिरंगे से खूबसूरत कोई कफन नहीं होता। नमस्कार दोस्तों, देश पर मर मिटने वाले उन वीर बलिदानियों के लिए इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, श्रीमाधोपुर के ग्राम पंचायत कल्याणपुरा थोई के बामरांडा जोहांट के लाडले 46 साल के शुभदार प्रभुसिया देश की रक्षा के लिए ड्यूटी पर तैनात बलिदान हो गए हैं। जिला सैनिक कल्याण अधिकारी कर्नल अजय सिंह निमका थाना ने बताया कि शुभदार प्रभुसिया पुत्र भोमाराम 14 जाट रेजिमेंटल ऑपरेशन टीम में नॉर्थ सिक्किम में तैनात थे। बता दें कि काफी ऊंचाई पर ऑपरेशन टीम में तैनात होने के कारण वहां ऑक्सीजन की कमी रहती है। ऑक्सीजन की कमी के चलते 6 अप्रैल को करीब 6:15 पर हृदय गति रुकने से उनका निधन हो गया। अभी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आनी बाकी है। 9 अप्रैल को शुभदार प्रभुसिया की पार्थिव देह थोई थाना में पहुंचेगी, जहां से तिरंगा रैली के साथ पार्थिव देह को उनके पैतृक गाँव ले जाकर सैन्य सम्मान के साथ गार्ड ऑफ ऑनर देकर अंतिम विदाई दी जाएगी। सुबेदार के भाई हवा सिंहा ने बताया कि हमें शहादत की सूचना सुबेदार मेजर सिंहा हुकम ने बताई। 26 दिसंबर 1995 को आर्मी में प्रभु सिंहा भर्ती हुए थे, उसके बाद प्रमोशन हुआ और सुबेदार बन गए। पत्नी सुमन देवी के अलावा बड़ी पुत्री निकिता 22 वर्षीय और पुत्र अजय कुमार 17 वर्षीय है। गांव में सुबेदार के शहीद होने की खबर मिलते ही गाँव में मातम छा गया और घर वालों के साथ साथ गांव के लोग भी अपने बेटे का अंतिम दर्शन के लिए पार्थिव देह का इंतजार कर रहे हैं। तो दोस्तों, मैं भगवान से यही दुआ करता हूं कि वीर बलिदानी शुभदार प्रभु सिंह की आत्मा को भगवान शांति दे, साथ ही इस मुश्किल घड़ी में उनके परिवार को दुख सहने की क्षमता दे। जब तक सूरज चांद रहेंगे तब तक वीर बलिदानी आपका नाम रहेगा। फौजी की मौत पर परिवार को दुख कम और गर्व ज्यादा होता है। ऐसे सपूतों को जन्म देकर माँ का कोख भी धन्य हो जाता है, जिसकी वजह से सारा जहां चैन से सोता है। आओ कसम खाएं उन वीरों की, उन बलिदानियों की, कि हम हर पल एक सच्चे भारतीय बनकर अपना फर्ज निभाएंगे। जरूरत पड़ी तो लहू का एक एक कतरा देकर इस धरती माँ का कर चुकाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो को अनदेखा ना करें। उन वीर बलिदानियों के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपसे फिर मुलाकात होगी किसी नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।